press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Jet saab, kya hai sawal? I know what questions are there. Can I just start talking? Yeah. Okay, so मैं यहाँ support करने आया हूँ नच बलिए 9 को. पूछ रही हूँ. पूछ रही हूँ. थोड़ा बहुत clips में देखा social media पर. But I think the opening says everything. लोगों को बहुत पसंद आना चाहिए. हमें आए ना आए. But I really like the concept because इसमें excess भी है, present भी है, तो बहुत मसाला है. और काफी सारे मेरे दोस्त हैं इसमें couples. So मैं तो चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त ही couple जीते ये show. और सलमान सर का production है. So I'm sure he's not left any stone unturned. So all the best to सलमान सर, नदीम भाई, Star Plus, and to all my lovely friends who are competing against each other. And मैं मुझे पता है मैं contestant रह चुका हूँ dance reality show का, तो बहुत मुश्किल होता है, इतनी injuries होती है, लेकिन you have to perform week after week. And मैं बस चाहता हूँ कि जो हर हफ्ते consistently perform करे, अच्छा dance करे as a couple, they should win. All my friends हैं, who are there, everybody who I know, I'm not going to take any one name, it's unfair. यार आप अपने किसी दोस्त में से choose करोगे कैसे show में? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? Naughty girl. अनीता है, रोहित है, प्रिंस है, युविका है, विंदुपा जी है, there's की, there's so many other, you know, everybody, almost everybody I know. So अली है, I think अली भी है ना? अली भी है यार. कितने अभी किस किस को सपोर्ट करूँ? So मैं the best person हूँ. तो अभी मुझे कुछ हफ्ते और देखना पड़ेगा, फिर सरप्राइज की बात होगी. अभी एक ही एपिसोड हुआ है, सो लेट देम एटलीस्ट डांस. आई थिंक पहले एपिसोड में डांस किसी का दिखा नहीं है अभी तक, राइट? आज दिखा होगा, दिखाया थोड़ा बहुत. हाँ, तो आई एम वेन एवर आई गेट टू सी अ परफॉर्मेंस ऑन सोशल मीडिया और इफ़ आई एम होम ड्यूरिंग दैट टाइम, देन डेफिनेटली. बट मुझे पता है अनीता बहुत अच्छा डांस करती है एंड रोहित इज स्ट्रॉन्ग, सो आई एम श्योर दे आर रिहर्सिंग वेरी वेल. And Prince and Yuvika also are good. Bindu Paji का मैंने अभी देखा जब मैं आया था, क्या उठा रहे थे और मतलब he was having fun, he was having a blast. So I think you know dance is not only about just dancing and doing steps, it's also about enjoying the atmosphere and having it on your face. You know, everything is not a step in life. Madhuri ji हमेशा कहती हैं कि dance है ना चेहरे से होना चाहिए. So I think if everybody follows that, it would really help them. होना ही चाहिए. Thank you. मेरे भी एक्सप्रेशंस ऐसे ही थे, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट एंड गलत टाइम पर सिंगल हूँ, दैट्स द रीजन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट. बट आई वाज लाइक शिट या आई विश आई वाजंट सिंगल, बट आई वांटेड टू डू नच बलिए. ऑफर भी था, सब कुछ था, बट बलिए नहीं था. सो लाइक सो आई एम हैप्पी फॉर द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ इट. ऑफकोर्स आई एम हैप्पी फॉर SKTV एंड पानी जय एंड या आई एम नॉट हैप्पी फॉर माई सेल्फ. पता नहीं यार, बट हाँ आई वॉन्ट टू, बट देन आई एम अ वेरी बैड डांसर. मतलब मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे फाइनली, बॉस को ने मुझे बोला यू आर अ वेरी नाइस गर्ल बट प्लीज डोंट डांस. सो आई एम दैट बैड डांसर, बट या आई वॉन्ट टू डू नच बलिए, मे बी नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस. आई एम सॉरी, मैंने अभी तक सब कंटेस्टेंट्स मुझे नहीं पता कौन है, बट येस फैजल इज़ डूइंग रियली वेल, ही इज़ अ नाइस डांसर एंड उसका एक्ट देखा था मैंने, उसका रिहर्सल देखा था. सो
not that I'm supporting someone, but may the best one win. Yes, waiting for Prasanam, and it's releasing on 28th September, fingers crossed. And that's it. Thank you. जी जी मैं खुद था फर्स्ट एपिसोड में तो ऑफ कोर्स मैंने देखा और जैसा कि सब जानते ही हैं मैं कितना कमाल का डांस करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने देखा एंड मेरे काफ़ी फेवरेट लोग इस बार नच बलिए से जुड़े हुए हैं कीत जो हैं जिन्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया मनीष ऑफ कोर्स होस्ट कर रहा है और अनिल को मैं आई थिंक आज 10-12 सालों से जानता हूँ तो ऑफ कोर्स इन सब लोगों के लिए देखना ही था मुझे बबीता फोगाट ने जी जी सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ उन्होंने किया मुझे और मैं बहुत खुश हुआ उन्हें देख के क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ और उनकी गेम्स उनका उनके टूर्नामेंट्स मैंने फॉलो भी किए हैं तो आई थिंक शी इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग पैकेज टू जी 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 खतरनाक खतरनाक है एक्स एंड प्रेजेंट आई मीन वाव यस जी जी मैं तो हमेशा से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से ही ये शोज़ बनते हैं और हम लोग जो भी करते हैं वो करते हैं तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ देखते रहिए एंड आई प्रॉमिस यू ऑल विल बी एंटरटेन्ड डन